आज आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। और तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्वविहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और दो वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है अभी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आगे करेंगे जो भी इसमें होगा। डंडे से मार पीट करके यहाँ मेरा यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ डंडे से पूरा सूज गया है और खून भी बह रहा है और इधर भी सूज गया है यहाँ पे। कितने लोग थे लगभग? होंगे बहुत सारा भीड़ था, उसमें से गिनती तो हम लोग कर नहीं पे। हम लोग तो मोटरसाइकिल से गए, वैसे ही रास्ते में रोके, रोकने के बाद तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे खिलाफ हो क्या, ऐसा कैसा करके तुम लोग खिलाफ हो ऐसा करके। फिर क्या हुआ उसके बाद? लोग मारपीट किए, डंडा मान में यहाँ मार देना, मारपीट किए। हॉस्पिटल कैसे आए? एक घंटे के में थोड़ा सा होश आया और ये लोग उन्होंने चला। 12 फरगान के आई सब हमला मारे। काहे के लिए मारे? हम किरसन में जा थान ते कर मारे। कौन मन मारे? ये फरगन वाला सब गांव के मन मारे। कहाँ पे मारे, कैसे हुआ था बताओ? हमला गोरा बुलाई और हमारी हमला। कौन बुलाया? ओ परगन वाला और गांव के। क्यों बुलाए? मारपीट करे बर बुलाई। हमला के दिस काय काज मारे? हमला ना वहां जात हो बोल के दिस। कितने लोग के साथ मारपीट किया गया है? पूरा गांव के मनाए के मारे। तो कहां जात हो बोल के मारे? चर्च से जात हो बोल के। हां सब हमार गांव के भी और सब वो गांव के आए रहा है वो भी मारिस हमला सब जान मारिस।